अंदर बड़ी गर्मी होती है, इससे हम सारे भाई आके बाहर बैठ गए और इसे पसीना देख ही सकते हो आप, पूरा लथपथ हो चुके हैं। इसे टी शर्ट भी चेंज कर ली है। तो ये गोलू भाई हमारा बड़ा, तो ये भी बाहर आया। ये कालू आप इसको पहचानते हो, काफ़ी सारे लोगों ने देखा और ये भाई बैठ के बाहर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बेचारा, घर के बाहर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं गली में बैठ के। तो दोस्तों अंदर बड़ी गर्मी हो गई, इसलिए हम सारे भाई बाहर आके क्या कर रहे हैं, बैठे आराम से हवा खा रहे हैं, आराम से हवा खा रहे हैं क्योंकि अंदर भपका हो चुका है। तो दोस्तों हमारे घर लग रही थी गर्मी, इसलिए अब हम आ गए अपने बचपन के भाई के घर। इसे हमारी खातिरदारी कर रहा है, एसी के नीचे बिठा के ये भाई का कह रहा है हम लोग मत बना अपना व्लॉग देख ले, इसलिए हमारा व्लॉग चला रखे इसने, और इसलिए हम एसी में भाई ने बिठाया और भाई को अपना वाईफाई भी कनेक्ट कर दिया भाई को, भाई कभी टाइम नहीं हुआ पता नहीं क्या कर रहा है भाई को। ये हमारा कालू भाई भी आ गए एसी के हवा खाने के लिए, और ये हमारा भाई छोटू भाई बचपन का यार, कैसा लग रहा है हम लोगों में आगे भाई को गली में नहीं बैठना पड़ेगा, और ये हमारे नन्नू पाजी पुनीत पाजी तो इसलिए हम गली में बैठे हुए थे, तो भाई को अच्छा नहीं लगा, भाई को दुख हो रहा था कि भाई गली में बैठे मेरे होते मेरे घर, मैं अपने एसी के आगे बिठाऊंगा ठंडी ठंडी हवा खिलाऊंगा, भाई गली में बैठे हैं। तो इसे हम भाई कर आए हैं उससे मिलने के लिए, तो इस ब्लॉग को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। दोस्तों बाहर चल रहा कीर्तन और यहाँ पर अंदर चल रही है प्रसाद बांटने की तैयारी, मैं बूंदी और मटर वगैरह जो देने की जो प्रसाद है ये बांटने की तैयारी है, और यहाँ पर चल रहा है कीर्तन, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, आधी टीम यहाँ आधी टीम। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ भंडारे में कीर्तन निपटा के और पूजा करके, अब मैं आ चुका हूँ भंडारे में क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी देर से लगे हुए थे, वो भी थक गए होंगे, तो उनके लिए मैं अभी हेल्प करने के लिए आऊँ, फिर मैं थोड़ा सेवा कर लूँ, इसलिए अब मैं भंडारे में आ चुका हूँ। अरे बेटा इधर से इधर इधर टेबल टूबल बैठो, ये
गर्मी है और मंदिर है यहाँ पे, और अब सब लोग चले गए हैं और यहाँ हम हैं सारे, और बस अब सब लोग चले गए हैं। और फिर थोड़े मासी है यहाँ पे, मैं मासी हूँ लवली आंचल की। हाँ, ये बड़ी मासी है और बाकी सब अंदर बैठना भी, और किचन में भी ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि सारा खाना वाना बना था तो सब लोग थे तो बहुत सारा मेस्ड अप हो गया। अभी धीरे धीरे सारा साफ होगा, तब तक मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ ऊपर क्या क्या है। ऊपर भी सेम, हाँ सेम रूम सेट्स बने हुए हैं। नहीं जा रही हूँ मैं ऊपर, थोड़ा सा स्मेल ही हो रहा है यहाँ पर, अभी कोई आना नहीं है, थोड़ा सामान पड़ा है यहाँ पे। ये भी एक रूम है, फिर एक ये वाला रूम है, इसमें थोड़ा अंधेरा है अभी, ये अंडर प्रोसेस है, थोड़ा काम चल रहा है इसमें। ये और इससे ऊपर भी फ्लोर है बट मैं नहीं जा सकती इतने ऊपर, मैं थक चुकी हूँ। सेम रूम सेट है बट अंधेरा होगा इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। और अब हम नीचे चलते हैं क्योंकि हम थक गए थे, पर सारे लोग जा चुके हैं यहाँ पर कीर्तन, बाकी सारे लोग जा चुके हैं, हम रह गए हैं थोड़ा सा समेटने के बाद। हम लोग घर जाएंगे और घर जाके रेस्ट करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मेजअप हुआ है, वो थोड़ा बहुत समझवा रहे हैं, बाकी दरी वाले आ गए और आगे की सफाई होगी फिर हम लोग घर जाएंगे। थोड़ी देर में आपको घर पे मिलते हैं, दिखाते हैं हम कैसे घर जाते हैं। बाकी अभी सब बहुत कंजस्टेड है, सब लोग बैठे हुए हैं, मासी तो सो भी गई है, मासी थक गई है, मासी सो रही है बैठी है, और मासी को देखो मासी बहुत सो गई है और हम अभी भी खड़े हैं और मासी सो रही है बस उस सब समेटने के बाद हम जाएंगे घर, फिर आपको दिखाते हैं फाइनली हम जाएंगे तो कैसा रहता है, हमको बहुत फैल चुका है, थोड़ा समेटने के बाद घर चलते हैं। बाय गाइस, थक चुके हैं और हमारी हालत कुछ ऐसी हो रही है, थक गए बहुत और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत नींद आ रही है और गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा हम थक गए क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, हमारे चेहरे से दिख रहा होगा आपको कि हम कितना थक गए हैं। बाकी हम बस रास्ते में आगे से जा रहे हैं, आगे से प्रोग्राम कराओ तो फिर थोड़े से मौसम ठीक मौसम में कराओ। हाँ, सबको ये गाइडलाइंस देनी चाहिए कि गर्मी में कोई भी प्रोग्राम ना कराए, सब विंटर्स में कराए, विंटर्स में कराए। और हमारे तो गर्मी में ही दो दो हो गए, इतनी गर्मी इतना, और पता नहीं मम्मी ने भी गर्मी में क्यों शादी कर ली, पता नहीं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।